संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। योग दर्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं, आशा है आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देगी। हो सकता है ये जो टीजी नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी कम लाभप्रद हो। वैसे सूत्रों को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे सूत्रों को ले रहा हूँ एक तरफ से, और जितने भी आते हैं आप उसमें अध्ययन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो विषय में है वो आप अध्ययन कर सकते हैं जितनी आपको जरूरत है, और आपकी जरूरत पूरा हो जाए तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं सिर्फ योग को इसलिए और विस्तृत में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इससे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, बदलाव कैसे लें। अभी आपने देखा है बॉलीवुड में आत्महत्या का चलन बहुत है। सुशांत नाम का एक लड़का है जो हीरो था, बिहार का रहने वाला था, उसने भी आत्महत्या कर ली है। कारण है उसका अपनी वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को ना जानने के कारण वो ऐसे कदम उठा लेते हैं। शायद आपको जानकारी हो बॉलीवुड में दो चीजों से मृत्यु 90% की संभावना बढ़ रही है, अर्थात 90% मृत्यु जो हो रही है दो कारण से हो रही है। एक तो हो रही है डिप्रेशन, आत्महत्या, दूसरा कारण है कैंसर। और ये दोनों ही कारण आपके मस्तिष्क से जुड़े हैं। वैसे तो मैंने बताया था मस्तिष्क से सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, 10% बीमारियां, थोड़ा सा इसको बीमारियों के बारे में समझाता चलूं, फिर कोरोना के बारे में दो बातें बताऊंगा आपको। यदि वीडियो अच्छा लगे तो देखें, जिनको नेट या जेआरएफ की तैयारी करने की ज़्यादा इच्छा होती है तो वो इस तरह की वीडियो नहीं देखते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं आज थोड़ी सी इस पर चर्चा करूंगा क्योंकि वही विषय आज बताऊंगा, और सारी वृत्तियों के बारे में आज चर्चा करूंगा, बहुत विस्तृत में चर्चा करूंगा। हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो, तो आप थोड़ा सा महसूस करेंगे कि समय बर्बाद हो रहा है। हो सकता है उनके लिए जो अध्ययन करते हैं उनके लिए समय बर्बाद ही हो, लेकिन यदि जीवन से संबंधित देखना है तो आप देख सकते हैं, स्वागत है आपका। दो चीजें हैं, बीमारी मात्र तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है शारीरिक बीमारी, ठीक है, एक होती है मानसिक बीमारी, और एक होती है प्राकृतिक बीमारी। अब प्राकृतिक बीमारी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। प्राकृतिक बीमारी के मतलब संबंध है इसका दुर्भाग्य से कोई घटना घट जाना। उदाहरण के तौर पर आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण आपको शरीर में चोट लग जाना, हाथ पैर में टूट जाना या फ्रैक्चर हो जाना किसी प्रकार का, वो बीमारी में अंतर्गत मान सकते हैं उसको, तो प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली बीमारी है। ये किसी के हाथ में, किसी के बस में नहीं है। लेकिन मैं इसमें भी बताऊंगा कि ये बस में हो सकती है यदि हम आने वाली इस वीडियो में जब समझाऊंगा कि क्या करें ऐसा हो जाए। इसलिए मैं योग को बहुत विस्तृत में ले जा रहा हूं, जीवन को बड़ा उच्च स्तर पर जीने की जो प्रक्रिया है वहां ले जा करके आप जीना शुरू करेंगे तो आपको प्राकृतिक समस्याएं भी 0% हो जाएंगी। प्राकृतिक समस्याएं हैं एक्सीडेंट वगैरह होना या आंधी तूफान में किसी तरह से आपको परेशानी हो जाना, जान मान की हानि होना, उसके कारण डिप्रेशन में चले जाना, ये सारी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है और वो इसमें भी चली जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं मानसिक कारण बन जाती हैं, शारीरिक कारण बन जाती हैं, लेकिन यदि आप ध्यान में जीना शुरू कर देते हैं, मस्तिष्क का लेवल अपना ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क होता है उनका 5 स्तर बनाए गए हैं। पहला होता है क्षिप्त, मैं इसमें बताया नहीं है, दूसरा होता है विक्षिप्त, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं उसको समझ में आ जाए आपके, क्षिप्त ये भूमियों के अंतर्गत आते हैं इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, बाद में समझाऊंगा। तीसरा है विक्षिप्त, क्षिप्त मूड विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये आपके मस्तिष्क की भूमियां हैं, ठीक है ना। भूमि के तात्पर्य क्या होता है, आपके जो विचार चलते रहते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता पर ये निर्भर करता है, और इन्हीं के द्वारा कुछ लोग जीवन भर एक ही अवस्था में पड़े रहते हैं, उनको होश ही नहीं कि हो क्या रहा है। क्षिप्त भूमि वाले और मूढ़ भूमि वाले जो लोग हैं ये
तमोवृत्ति से संबंध है। हमारे भारत का तमोवृत्ति 90% है। मैं आंकड़े हमेशा 90% में 90 में ही ले जाता हूं। तमोवृत्ति का आंकड़ा 90% है, इसलिए उनको ईश्वर से संबंध की बातें करने में गुरेज लगता है। हाँ, अगर उनसे कहो कि राम बड़े हैं, कि कृष्ण छोटे हैं, जीसस बहुत खराब थे, मोहम्मद बिल्कुल बकवास थे, इस तरह की बातें करोगे तो बड़ा आनंद लगे। और जो आनंद लेने वाले लोग हैं, एक दूसरे की बुराई करने वाले लोग हैं, वो क्षिप्त भूमि के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, कोई भी बुद्ध पुरुष की बुराई करता है, अपने बुद्ध पुरुष की जिसको वो मानता है श्रेष्ठ की भावना रखता है, वो क्षिप्त भूमि के अंतर्गत आता है। मैं यदि राम को मानने वाला हूं, यदि राम को मानूंगा बड़ा और कृष्ण को छोटा मानूंगा, तो मैं मूर्खता में चला जाऊंगा, क्षिप्त भूमि में चला जाऊंगा। फिर क्या किया उन मूर्ख लोगों ने, कि राम को और कृष्ण को, इन सबको एक अवतार ही मान लिया, कि एक ही पुरुष ने, उन्हें बार बार अवतार लिए हैं। इस पर भी कभी चर्चा करूंगा कि अवतारों को हमने कैसे माना, ये हमारी मजबूरी हो गई। भगवान बुद्ध ने सारे धर्म को, सारे ग्रंथों को, सारे वेदों को, उपनिषदों को, सबको मानने से इनकार कर दिया, तो अंत में क्या किया कि भगवान को ही उनको अवतार के अंतर्गत, बुद्ध को अवतार के अंतर्गत रख दिया। तो ये केवल एक धंधा बनाना है, एक बिजनेस बनाना है, जिससे कि आम जनता क्षिप्त भूमि में ही पड़ी रहे, लड़ाइयां करती रहे, मूर्खता की श्रेणी में जीती रहे, वो कभी भी आगे अपनी श्रेणी में क्रॉस ना कर पाए, बढ़ ना पाए। मूल प्रवृत्ति के रूप भी कुछ कुछ ऐसी ही, क्योंकि इसमें रज निवृत्ति होती, रजोवृत्ति होती है, इसमें लड़ाइयां मान लेते हैं, इसमें लड़ते हैं रजोवृत्ति वाले लोग। फिर आती है विक्षिप्त भूमि, ये सात्विक भूमि के अंतर्गत आती है। सात्विक भूमि वाले लोग कुछ कुछ बातों को मानना शुरू कर देते हैं, जैसे इनकी बौद्धिक क्षमता होती है, सात्विक क्षमता होती है, वो कुछ कुछ इस चीज को मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये पूर्ण रूप से इस चीज को नहीं मानते। एकाग्र बुद्धि वाले लोग, जिनकी एकाग्र बुद्धि होती है, यहां पर योग फलित होता है, वो जानने को उत्सुक होता है कि मुझे, मैं कौन हूं। कभी लोगों ने जाना है कि मैं कौन हूं। हम लोग कहते हैं कि अभी खिलौना लेने जाते हैं कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, चलेगा या नहीं चलेगा, कभी अपने बारे में विचार ही नहीं किया कि हम वास्तविक हैं या हम भी एक खिलौना ही है। मैं इस पर बहुत विचार करता हूं और महसूस करता हूं कि जो बच्चे खिलौना खेलते हैं, मेरे घर में दो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके बच्चों से खिलौने से जब तुलना करता हूं, तो पता चलता है कि हम भी एक विशेष प्रकार के खिलौने ही हैं। कुछ समय बाद हमारी भी अवस्था इन खिलौनों की भांति टूट फूट जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो इस विषय पर विचार ही नहीं करते ये तीन प्रकृति के लोग, और वो आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं, इसके सिवा उनको कोई काम नहीं है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसलिए हमारा देश या कहीं भी कोई क्रांति नहीं हो पाती। ये मजबूरी है, क्योंकि इतने बड़े समुदाय को जो इस अंधेरे में बैठा हुआ है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाओ तो उनकी गालियां सुनो, तरह तरह की ढूंढ, पता नहीं कहां कहां से ढूंढ गालियां देते। अभी व्हाट्सएप पर भी और फेसबुक पर भी मैं भी देखता हूं, तो मैंने तो फेसबुक को खत्म कर दिया, मैं जाता ही नहीं उसमें, क्योंकि उसमें सिर्फ बकवास के सिवा कुछ नहीं हो रहा है, गालियां देना एक दूसरे को। एकाग्र भूमि वाले लोग विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाते हैं। विवेक ख्याति, ये मैंने बहुत चर्चा की है, इसको एकाग्र भूमि बोला गया है, यानी कि सात्विक वृत्ति बनी रहती है लेकिन एकाग्रता के साथ बनी रहती है। थोड़ा सा इसको ज्ञान आता है अपना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं योग की पूर्ण अवस्था नहीं मिल पाती। योग की अवस्था तो होती है, योग की अवस्था, इसमें याद रखना, समाधि तो किसी में भी हो सकती है, बात थोड़ी समझना, समाधि सब में हो सकती है, चित्त में भी, मूड में भी, क्योंकि समाधि का मतलब होता है समाधान, समाधानम समाधि, सीधी परिभाषा है। तो इनको मूर्खों को जितने 90% जो जी रहे हैं, वो किसी में भी समाधान ढूंढ लेते हैं। मंदिर में चले जाएंगे, घंटी बजा रहे हैं, पूजा करे आएंगे, पाठ करे आएंगे, इधर उधर जहां के आएंगे उसमें समाधान मिल गया उनको। तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें, हमारी जो भूमि है वो क्षिप्त भूमि तो नहीं है, पागल की श्रेणी में तो नहीं है हम, कहीं विक्षिप्त तो मूर्त तो नहीं है, एक दूसरे को धर्म के नाम पर काट तो नहीं रहे, बर्बाद तो नहीं कर रहे जाति के नाम पर। इसको मैं बहुत विस्तृत में समझाऊंगा आज। ये पांच वृत्तियां हैं, पांच वृत्ति को लेकर के मैं आया हूं, थोड़ी सी चर्चा इस पर करता चलूं। एकाग्र भूमि का व्यक्ति थोड़ी सी बातें जान जाता है, वो जानता है मंदिर जाऊंगा तब भी मुझे वही प्राप्त होगा जो मुझे घर में भी प्राप्त होगा। इसलिए हमारे यहां देश में मूर्ति की स्थापना की गई। अब थोड़ा समझ लो, मंदिर जाने वाले और मंदिर जाने वाले दो होते हैं, मंदिर जाने वाले भी, मंदिर जाने वाली, उनकी श्रेणी मैंने दो कर दी है। एक वो जो पूजा पाठ करके ऐसे ही, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, लड़ेंगे बढ़ेंगे, कोई हनुमान को मान रहा है, कोई देवी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, मान करके उसको छोड़ करके लड़ाई करके भज जाएंगे, कोई मतलब नहीं उनको। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जिन्होंने धारणा
जो आती है ना धारणा ध्यान समाधि, ये तीन जरूरी है। जो एकाग्र बुद्धि वाले होते हैं वो धारणा बना लेते हैं कि ईश्वर की प्रतिमा या ईश्वर की मूर्ति ऐसी ही होगी, ये धारणा लेकर के मंदिर जाते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, बाकी बातें क्या हो रही है उनको कोई मतलब नहीं है। वो मूर्ति हनुमान की भी हो सकती है, कृष्ण की भी हो सकती है, बुद्ध की भी हो सकती है, जीसस की भी हो सकती है, मतलब किसी की भी हो सकती है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। वो धारणा उनके मस्तिष्क में बनी हुई एकाग्र रूप से बनी हुई है, उन्हें सिर्फ उस चेतना को जगाना है जो उसके अंदर है। तत्त्वमसि जो जान गया है, हम ब्रह्मास्मि वाले व्यक्ति ने बताया कि तत्त्वमसि तुम भी वही हो, तो उस चेतना को हम ब्रह्मास्मि मैं भी वही हूं, तो उसको जगाने के जो प्रयत्न किया जाता है वो एकाग्र बुद्धि से शुरू होता है और धीमे 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 धारणा ध्यान बनता है। ध्यान के बाद वो समाधि में चला जाता है। समाधि तो ऊपर की भी है लेकिन वो गलत समाधियों में चला गया है, ठीक है। तो यहां विवेक ख्याति होती है उसको, लेकिन सत्व की वृत्ति अभी भी बनी होती है। जो शुद्धतम है निरुद्ध की अवस्था, जहां सत्व रजस तमस तीनों वृत्तियां, ये तीन गुण हैं, त्रिगुणात्मक हैं, जो कर्ता के रूप में कार्य करते हैं, मैंने बताया है, आप जाकर के अध्ययन करिए कि कर्ता कौन है। कर्ता पुरुष नहीं है, आत्मा नहीं है, कर्ता ये तीनों हैं, तीनों गुण हैं। तो सात्विक वृत्ति अविवेक ख्याति होने पर भी संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। यहां पर संप्रज्ञात, संप्रज्ञात समाधि वाला व्यक्ति बहुत आनंद में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अछूता फिर भी रह जाता है स्वयं से, क्योंकि उसकी सात्विक वृत्ति अभी बनी हुई है, कर्ता का भाव बना हुआ है, ज्ञान बना हुआ है। जब सारी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं उस अवस्था में असंप्रज्ञात हो जाता है, फिर चीटी में वही दिखाई देता है। इसलिए बोला गया कि चीटी में भी वही है और हाथी में वही है, तुम्हारे अंदर भी वही है, मंदिर में वही है, मस्जिद में वही है, ये आम आदमी नहीं कह सकता। जो असंप्रज्ञात समाधि में चले जाते हैं वो इस बात को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यदि आप महसूस करना शुरू कर दें तो आप इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज वही प्रक्रिया बताऊंगा। दो प्रक्रियाएं बताई थी कि जो मन की जो वृत्तियां होती हैं वो क्लेश का कारण ही बनती है, अक्लेश का कारण बनती है। मैंने बहुत अध्ययन किया लेकिन मुझे कभी भी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं बताया गया कि इनको क्लेश का कारण क्यों माना जाए और अक्लेश की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाए। लेकिन मैं इसको देने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। यदि उसमें कोई कमी हो तो मुझे बताने का आप भी थोड़ा सा कोशिश करना, क्योंकि कमी को बताना लोग सही नहीं समझते हैं, लेकिन बतानी जरूरी चाहिए। तो ये है ये चित्त भूमि, आप इस भूमि में रहेंगे तो आप जीवन की सारी सच्चाई को जान सकेंगे। तो मूर्ख लोग हैं जो चित्त भूमि में पड़े हुए हैं, वो इन चीजों को लेकर के नहीं जी रहे हैं, वो इस संसार को सत्य मान करके जी रहे हैं, जिसके कारण उसको मानसिक अवसाद होता है। ये मानसिक अवसाद होने के कारण सारी बीमारी यहीं से, 90% बीमारियां यहीं से निकलती हैं। मैंने बताया था मनोशारीरिक बीमारियां होती हैं, शरीर से बीमारियां बहुत कम होती हैं। मन यदि आपका बीमार है, टेंशन कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हो, टेंशन कम कर दो, टेंशन का कोई चीज है बाहर से लाना है उसको खत्म कर दो। अरे उसकी प्रक्रिया तो बताओ कैसे कम करें, वो आज मैं पूरी प्रक्रिया बताने का प्रयास करूंगा। सारी व्यवस्थाएं योग की, केवल आत्म शुद्धि बाद में होती है, पहले शरीर शुद्धि होती है। तीन तल होते हैं हम जो जीते हैं, शरीर के तल पर, मन के तल पर और आत्म के तल पर, आत्मिक आत्मा के तल पर हम तीन प्रकार से जीते हैं। पहले शरीर मन की शुद्धि की जाती, शरीर की शुद्धि की जाती है, उसके बाद मन की शुद्धि की जाती है, उसके बाद आत्मा की शुद्धि की जाती है। क्योंकि आत्मा भी, अब यहां पर थोड़ी बात समझ में की है, यहां पर आत्मा की शुद्धि नहीं की जाती, यहां जब ये दोनों शुद्ध हो जाते तो आत्मा अपने आप से शुद्ध है ही, वो मलिन होती ही नहीं, इसलिए आत्मिक प्रवृत्ति शुरू हो जाती है तीसरे स्तर पर। तो दोनों स्तर बहुत जरूरी हैं। फिर शारीरिक बीमारियां होती हैं कुछ, वो आपको मौसम परिवर्तन होने के कारण होती है, कुछ सूर्य में उतल पतल होने के कारण भी होती है। हर 11 वर्ष पर बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती हैं पृथ्वी पर, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। इसलिए हर 10 से 11 वर्ष के बाद में ये विश्व में महामारी का रूप धारण कर लेती हैं। वो वास्तव में क्या होती हैं उस पर कभी चर्चा करेंगे। तो ये प्रकृति होती है, मानसिक बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां होती हैं, और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं जो होती हैं वो मानसिक बीमारियों के कारण होती हैं। जितनी भी डिप्रेशन में चले गए हैं, आज कोरोना नाम का एक शब्द चला है, ठीक है ना, कोरोना वायरस है ये, और वायरस ने, ये साधारण वायरस है, इससे कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है,
मर नहीं सकता यदि उसका मानसिक संतुलन सही है, लेकिन सरकार ने उसको इतना डराया है कि आदमी का मानसिक संतुलन हिल गया है और वो अवसाद में चला गया। भारत का इस लॉकडाउन में 20-25% लोग अवसाद में चले गए। भारत के इस लॉकडाउन में 3-4 महीने जो लॉकडाउन हुआ है, 20-25% लोग अवसाद में चले गए, और अवसाद में जाने से आपकी इम्यूनो पावर, जिसको प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं, वो डाउन चली गई और रोगों की भरमार हुई है। कोरोना साधारण इन्फ्लुएंजा वायरस है, आप दिमाग में बिठा लो। अगर आपको पता चले तो मैं दो नाम बता रहा हूं, उन जाकर के उन वीडियो को भी देख लो। एक है आचार्य मनीष, उन्होंने षड्यंत्र पर, WHO का षड्यंत्र है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं इसको, अमेरिका का संगठन षड्यंत्र है और चीन का, ये तीन मिले हुए हैं। और WHO में सबसे ज्यादा जो पैसा लग रहा है वो बिल गेट्स का लग रहा है, जो फंडिंग करता है WHO को, बिल गेट्स करता है। तो ये चार लोग मिलकर के पूरे विश्व को मूर्ख बनाते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी का इजाद करते हैं, फिर वैक्सीन तैयार करते हैं, दवाइयां तैयार करते हैं, उनको विश्व में भेजते हैं और व्यापार बनाते हैं। जाकर के आप देखेंगे तो आचार्य मनीष, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, इन दो लोगों को देख लो। बाद बाकी फिर अभी कभी मौका मिलेगा तो और बताऊंगा। ये दो लोगों को देखोगे तो समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। तो ये आपको थोड़ी सी बातें समझ में आई होंगी। तो आज हम इनसे कैसे छुटकारा पाएं, इन वृत्तियों में कैसे आगे बढ़ें, और क्लेश की वृत्ति कैसी होती है, अक्लेश कैसे कार्य करता है, इनको समझाने का प्रयास करूंगा बहुत विस्तृत में। चलते हैं, बताना कुछ और होता है, चले कहीं और जाते हैं तो बीच में दिमाग में चली जाती हैं चीजें, खो जाते हैं। बीमारी को बताना था, अवसाद में चले गए थे, अवसाद के कारण लोग आत्महत्या करते हैं। बॉलीवुड में हमें दिखाई देता है कि बहुत चको लोग अच्छी जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योग दर्शन, योग दर्शन में हमने वृत्तियों को जाना था, और वृत्तियों को मैं लिख देता हूं जिससे आपको याद आ जाए। प्रमाण प्रथम थी, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, पांच प्रकार की ये वृत्तियां होती हैं, और इनको मैं बहुत विस्तृत में समझाने का प्रयास करूंगा। योग दर्शन है, योग दर्शन के माध्यम से अपने जीवन को थोड़ा सा योगमय बनाइए, हमारे ऋषि मुनियों का जो सपना था उसको साकार करने का प्रयास करिए। हम शरीर तल पर जीते हैं, स्वाद में जीते हैं, अपनी इंद्रियों का जब भी हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है इसमें देख लेते हैं। देखिए, प्रमाण जो है, प्रमाण हम बहुत जान चुके हैं, 9 प्रकार के प्रमाण होते हैं, लेकिन सांख्य दर्शन में मैंने प्रमाणों की चर्चा की है, जाकर के आप वीडियो देखें। अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं आप, सांख्य दर्शन वाले नहीं देखे तो उसमें देखिए, प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तवचन अर्थात शब्द प्रमाण, ये ही मैंने उसमें बताया है। 3 प्रमाण है, उसी का ये भाग है। तो इसमें बोला गया है प्रत्यक्ष अनुमान आगमः, प्रमाणानि, ठीक है, ये इसमें बोला गया प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, यानी कि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, आगम मतलब शब्द, प्रमाण, ये 3 प्रमाण हैं, इनके द्वारा वृत्तियां बनती हैं। मैंने बताया है एक क्लेश और दूसरी अक्लेश। अब ये कैसे बनती है ये मुझे कहीं नहीं मिला, ये मेरे कैसे बताऊं आपको, किस तरह से समझाऊं, कि दुर्भाग्य ही है कि कोई भी किसी भी ग्रंथ में कभी कोई पूर्ण चीज समझाते ही नहीं। कोई ये वृत्तियां बता दी कि क्लेश और क्लेश का कारण होती हैं, लेकिन जब वृत्तियों का वर्णन किया गया विस्तृत रूप से तो उसमें ये समझाया ही नहीं गया कि ये क्लेश कब बनती है और अक्लेश कब बनती है। यदि आपको ऐसा कोई ग्रंथ मिले या ऐसी कोई पुस्तक मिले या ऐसी कोई व्याख्या मिले जिनमें इनकी व्याख्या इस तरह से की गई है कि ये इस तरह से क्लेश का कारण बनती है और इस तरह से अक्लेश का कारण बनती है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना, ये मैं आपका आभार मानूंगा, बहुत अधिक आभार मानूंगा, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने बहुत सारी व्याख्याएं देखी,
ना जाने कितने हर समाजियों की व्याख्याएं देखी योग पर, लेकिन किसी ने भी इस चीज को कही नहीं, सब रट्टा रट्टा है समझा रहे हैं। मैं कुछ अपने जीवन दर्शन के लिए जो भी मैंने जीवन में थोड़ा सा अनुभव किया है उसको बताने का प्रयास करूंगा और वहां ले जाने का प्रयास करूंगा जो क्लेश अक्लेश का कारण बन जाती है। थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी होगी, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि जो चीजें शॉर्ट में होती हैं वो कभी समझ में नहीं आती। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको है? प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण। जब हम किसी चीज से प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष हमारी मैंने बताया था सामने होना, जब ज्ञानेंद्रियां जितनी भी हमारी जब वो सामने होती हैं तो उनसे एक विशेष प्रकार की वृत्ति बनती है, व्यवहार बनता है। वृत्ति का मतलब व्यवहार दिमाग में डालो और कुछ नहीं है, ज्यादा संस्कृत में खोएंगे तो खो जाएंगे। यहां जब प्रत्यक्ष बनता है, जब हमारी ज्ञानेंद्रियां किसी से संपर्क करती हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ अनुभूति अवश्य होती है और उस अनुभूति से कुछ वृत्ति बनती है, कुछ व्यवहार बनता है, विचार बनता है, वही विचार बार बार हमारे मस्तिष्क में रह जाता है। और ये क्लेश और अक्लेश का कारण कैसे बनता है वो मैं अभी समझाऊंगा। अनुमान दो प्रकार से लगाया जा सकता है। वैसे तो अनुमान जो होता है वो हमेशा प्रत्यक्ष की परछाई होता है। जब तक आप किसी चीज को जानते नहीं तब तक उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो कभी ना कभी आपने उस चीज को अनुभव किया होगा ऐसा माना जाता है। मैंने तर्क भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है, यदि नहीं देखा हो तो आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत विस्तृत में समझाया है उसमें भी, तब जाकर के वो अनुमान बनता है। ये भी इसीलिए कुछ लोग हैं जैसे चार्वाक है, उन्होंने केवल प्रत्यक्ष को ही मान लिया है, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान लिया है। वो मान सकते हैं क्योंकि चार्वाक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो चार्वाक चारुवाक यानी कि सुंदर वचन बोलने वाले, उनको तो विकृत कर दिया। बृहस्पति गुरु का माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति गुरु ने इसको शुरू किया था और बहुत सारे इसमें विकृतियां थी क्योंकि वो भौतिक जगत को ज्यादा मानता था। यदि चार्वाक जिंदा रहते तो जो आज आविष्कार हमारे केवल ग्रंथों तक सीमित हैं वो आज धरातल पर होते और विदेशों का नाम तक ना होता। विदेशों ने उठाया, अपने यहां ले गए और चार्वाक को हमारे यहां बदनाम कर दिया। हमारे बताया नहीं है ना, क्षिप्त भूमि वाले, मूढ़ बुद्धि वाले, विक्षिप्त भूमि वाले हमारे देश में बहुत हैं, 90% है उसका। वो किसी भी विद्वान को उठा करके निस्तनाबूद कर देते हैं। यही तो बॉलीवुड में हुआ था उसके साथ में, कंगना रनौत है एक लड़की है जो हीरोइन है, उसने इस चीज का खुलासा किया है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं और इतने अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, हमारा ये वीडियो होता है जो मतलब फिल्म होती है वो हिट हो जाती है, सुपरहिट हो जाती है, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है पूरा वो उसको फ्लॉप घोषित कर देती है और एक भी आवाज नहीं देती। तो वही हमारे समाज में भी है छोटे स्तर पर, यही विश्व स्तर पर भी है। कुछ लोगों के हाथ में सत्ता होती है, बाकी तो सब मोहरा होते हैं। संस्कृत जगत में भी कुछ लोगों ने अपने हाथ में सत्ता लेकर के संस्कृत जगत को निस्तनाबूद कर दिया, आज ये बर्बाद की कगार पर खड़ा हुआ है। अब कुछ धरोहर बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो जातिगत धर्मगत समाजगत फंसे हुए हैं और एक दिन ऐसे वो फंस के मर जाएंगे, होना कुछ नहीं उनका। ये प्रत्यक्ष जब हम किसी ज्ञानेंद्रिय से किसी का सामना करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसकी जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो हमारा वो विचार बन जाता है। ठीक है, यही भी छोड़ देते हैं इसको, बाद में लेंगे कि क्लेश कैसे अक्लेश कैसे। अनुमान से भी हमको वही प्रक्रिया शुरू होती है। अब मैं इसको यहां विस्तृत नहीं समझाऊंगा, आप जाकर के मेरे तर्क भाषा में जाकर देख सकते हैं या सांख्य दर्शन में भी देख सकते हैं, मैंने बहुत विस्तृत में समझाया है इनको। अनुमान से भी वही चीजें प्राप्त होती हैं, कुछ ना कुछ अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति निकला सुबह को और उसको बहुत दूर तक पानी पानी नजर आया, उसने अनुमान लगाया कि रात बारिश हुई थी, बहुत भयंकर बारिश हुई थी, तो अनुमान से पता चल गया। आपको जरूर थोड़ी है वर्षा हो ही रही तो पता चलेगा, अनुमान से ही पता चल जाता। तो वो विचार में वृत्तियां व्यवहार में बन जाती हैं चीजें। ऐसे ही इसमें शब्द प्रमाण है, आप्त पुरुष के जो वचन होते हैं, किसी ने जाना फिर उन्होंने बताया, जैसे हमारे उपनिषद हैं, उपनिषद में भी लोगों के द्वारा बताई गई बातें हैं, लेकिन आप उपनिषदों का शायद अध्ययन आपने किया होगा मैं मानता हूं, लेकिन
किताबी नॉलेज के हिसाब से, उसको आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से करेंगे तो पता चलेगा सारे ऋषि मुनि जितने जिसने भी इसको प्राप्त किया है, हम ब्रह्मास्म की स्थिति में जब वो व्यक्ति पहुंचे हैं वहां जाकर के वो मौन हो जाते हैं कि उसको कैसे प्राप्त किया जाए। वहां कोई व्यक्ति बता नहीं सकता कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए। मान लीजिए आप रास्ता चल रहे हैं, रास्ते चलते समय आपको ठोकर लगी और पैंस पांव में अंगूठे में चोट लगी, खून निकला, जो दर्द का एहसास हुआ उस दर्द को आप बता नहीं सकते कि वो कैसा है। इसी तरह से हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, जब वो अनुभव करते हैं उस चीज को, महसूस करते हैं, जब वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर वो वापस अपनी चेतना में आते हैं और उस चीज को बयां करना चाहते हैं, तो वो चुप हो जाते हैं और चुप होकर के केवल मौन धारण कर लेते हैं। नचिकेता को भी मृत्यु की जब बात दी है उन्होंने, तो वहां जाकर के वो मौन धारण हो गया है। उपनिषद ने फिर आगे चर्चा ही नहीं की है। मैंने बहुत उपनिषदों का अध्ययन किया, लेकिन सब उपनिषद जाकर के शांत हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। और अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग बातें कही है कि आत्मा हृदय में अंगूठी के बराबर है, कहीं अंगुष्ठ के बराबर, कहीं चार उंगल के बराबर, कहीं कितनी आकार का, कहीं कितनी आकार का बताया है। उनके ये अनुभव है कि शब्द को थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो बता ही नहीं सकते, कभी कोई अनुभव अपना बता नहीं सकता। मैं दर्द को कितने भी शब्दों में लाऊं, उस अंगूठे वाला जो फूटा है मेरा अंगूठा, जो चोट के कारण चोट खाया हुआ, खून निकला हुआ अंगूठा, उसमें जो दर्द की अनुभूति है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, नहीं बता सकता ये शब्दों की। इसलिए शब्द प्रमाण भी कोई खास प्रमाणित नहीं कर सकते किसी चीज की। अब बात करते हैं इनको क्लेश और अक्लेश कैसे होता है। कोई भी चीज, मैंने बताया था प्रमाण जो होता है सम्यक ज्ञान होता है, ठीक है ना, सम्यक ज्ञान। लेकिन सम्यक ज्ञान हमारी किसी भी चीज से प्राप्त नहीं हो सकता। यहां पर जो भी कार्य करती हैं वो इंद्रियां ही होती हैं। शब्द में कान होती हैं, आंख होती हैं। यदि हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखें काम कर रही हैं शब्द प्रमाण में, यदि हम उसको सुन रहे हैं तो कान काम कर रहे हैं, तो हैं होती इंद्रियां ही हैं। अनुमान में आपकी सारी इंद्रियां काम करती हैं। मान लीजिए बर्फ पड़ी रात को और बाहर निकले, हो सकता है उसमें बर्फ ना दिखाई दे रही हो, ओले पड़े, लेकिन ठंडी ठंडी जब हवा महसूस होती है तो लगता है, तो अंदाज लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं उस स्पर्श मात्र से कि कहीं ना कहीं रात ओले पड़े होंगे या कहीं दूर बर्फ पड़ी होगी, ये अनुमान है। तो वो भी इंद्रियों से ही संबंधित है। प्रत्यक्ष तो पूर्ण रूप से इंद्रियों से संबंधित है ही, उसकी तो चर्चा ही करनी। तो इंद्रियां माध्यम है ज्ञान का, लेकिन सम्यक ज्ञान का ये माध्यम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी तो माध्यम ही तो है। जिसको जानने का माध्यम है, ये संसार की चीजों को भी सही से नहीं दर्शा सकती, सही से नहीं बता सकती। तो जिसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं उसको ये इंद्रियां तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती। इसलिए जब व्यक्ति इन इंद्रियों से हट करके, देखो क्लेश का कारण बनती है जब इंद्रियां सांसारिक होती हैं, उनसे दुख होता है आपको। लेकिन जब हमारे जो ऊर्जा है, जो उनको जानने का प्रयास करती है, ऐसी कोई चीज है अंदर, वो इंद्रियों से कनेक्टेड है, इंद्रियों से जुड़ी हुई है, वो क्या है, मन। मन जब इंद्रियों से समिट करके वापस आता है, अपने में सीमित होता है और वापस जाता है, इनके इंद्रियों से हट जाता है, तो उसको फिर चीजें आत्मिक होना शुरू होती हैं। यानी कि मन बुद्धि में चला जाता है, वो सारी चीज बौद्धिक तत्व से ही निकली है, बुद्धि तत्व से ही मिली, विस्तृत हुई है। तो बुद्धि तत्व आत्मा से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो प्रकृति से, प्रकृति और आत्मा दोनों जुड़ी हुई है। वहां अनुभूति महसूस होती है, तब वो अक्लेश का कारण बनती है। उसको पता चलता है कि सांसारिक जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ दुख के कारण हैं, और जैसे ही वो मन संसार से कट जाती है तो उन्हें सुख की अनुभूति कहीं ना कहीं होने लगती है। अब समझ में नहीं आती आपको, इसको और कैसे समझाऊं। उदाहरण के तौर पर इंद्रियों को और थोड़ा सुख में और दुख में ले सकते हैं। मृत्यु का कारण इंद्रियां भी बनती हैं। जब इंद्रियों के सुख में हम ज्यादा खो जाते हैं, उदाहरण के तौर पर आप कोई चीज खाते हैं तीखी, छोटा बच्चा होता है उसको यदि तीखी चीज खिलाइए तो उसकी जिह्वा इतनी संवेदनशील होती है कि आप जितना तीखा खाते हैं उसका आधा भी वो नहीं खा पाता, और उसको मिर्च लगने लग शुरू हो जाती है, संवेदनशील होती है उसकी जिह्वा, मिर्च लगती है और वो रोने लगता है। लेकिन उसको क्या होता है, आप
बार 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 आपके घर में जो खाना बनता है, बड़े को, बड़े बड़े को जो खाना बन रहा है, जो मिर्ची उसको बड़े को पड़ी है, वही खाना बार बार उस बच्चे को खिलाई जाती है। तो इंद्रियों की एक सीमा है, सारी इंद्रियों की एक सीमा है, तो वो मिर्च जो थी आपके स्तर की, उस बच्चे की जिह्वा में लग लग कर उसको संवेदनहीन बना देती है, और वो जिह्वा भी आपके स्तर की संवेदनशीलता में चली जाती है। तो जिह्वा में यदि अब उस मिर्च से कम मिर्च वाली चीजें खाएंगे तो वो स्वादहीन हो जाएगी। एक उदाहरण दे रहा हूं, सारी इंद्रियों को ऐसे ही लगा सकते हैं आप। सुंदरता के कोई मायने नहीं होते, आंखों के बारे में सुनिए। यदि एक व्यक्ति आ रहा है, कोई लड़की का उदाहरण लीजिए, व्यक्ति का तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है समझना, कोई एक लड़की आ रही है तो आप उसको सही समझेंगे, सुंदर है। अचानक दो लड़कियां एक साथ हो जाएं तो आपकी इंद्रिय तुरंत कंपेयर कर लेगी कि ये सुंदर नहीं है, ये आई है ये सुंदर है। फिर अचानक से एक उससे भी थोड़ी सी और सुंदर आ जाए तो इंद्रिया फिर आपकी आंख धोखा देने लग जाएंगी, फिर कहने लग जाएगी ये इन दोनों से ये वाली सुंदर है। तो सुंदरता के कोई मायने नहीं है, बस तुलनात्मक अध्ययन इंद्रियां करती हैं। जब इंद्रियों की संवेदनशीलता बढ़ती चली जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वहां सारी चीजें तृष्णा में खो जाती हैं, कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए आज जीवन में किसी भी प्रकार से लोगों को संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हम इंद्रियों में इतने खो गए हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं, सुख बढ़ाते जा रहे हैं। पहले आदमी झोंपड़ी में रहता था, सुख में था, मिट्टी में आया सुख में रहा, पक्के में आया सुख में रहा, पंखे में रहा सुख में रहा, लेकिन क्या सुख इससे मिलता रहा? नहीं, उसकी चाह बढ़ती रही। फिर कूलर की चाह बढ़ी, कूलर में भी ठंड गर्मी लगने लगी, अब एसी की चाह बढ़ गई, अब एसी में भी रहने की आदत पड़ गई कि बाहर भी एसी अंदर भी एसी, सब तरफ एसी होनी चाहिए। एसी एक दिन नहीं आता तो उसको टेंशन होने शुरू हो जाती है। यही कारण आज बॉलीवुड में आत्महत्या का कारण बना है। जाकर के वीडियो देखिए कि आत्महत्या क्यों करी। आत्महत्या इसीलिए करी क्योंकि उनको उनमें काम नहीं मिल पा रहा था। तो काम नहीं मिलता तो उनके जो खर्चे हैं इंद्रिय सुख के, याद रखना, इंद्रिय सुख के जो खर्चे हैं वो क्लेश का कारण बन गए। इसलिए उन इंद्रिय सुख को न दे पाने के कारण उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या और कोई कारण नहीं था, इंद्रिय सुख न दे पाने के कारण। अगर इंद्रिय सुख देंगे तो पैसे की आवश्यकता है, पैसे के लिए काम की आवश्यकता, काम में मिल रहा है। लेकिन अब आप वो वापस भी नहीं हो सकते गांव के जीवन में, वो वापस भी आज तो गांव से ही थे लेकिन गांव में वो वापस हो भी नहीं सकते क्योंकि इंद्रियों को उन्होंने डैमेज कर लिया। इतना सुख दिया कि वो संवेदनहीन हो गई। लेकिन हमारा शरीर ऐसा है, यदि इसको मात्र 21 दिन समय दे दिया जाए तो अपने वापस संवेदनशीलता पा लेता है। मात्र 21 दिन में शरीर संवेदनशीलता पा लेता है। इसलिए वाल्मीकि जी हजार जितने वर्ष तक वो रहे, डाकू रहे, लेकिन वापस आए तो निर्मल बन गए, ऋषि बन गए, महर्षि बन गए। तो हमारा शरीर में एक क्वालिटी है, इसलिए शरीर की पूजा करनी चाहिए, शरीर को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन इंद्रियों को हमने सर्वनाश कर लिया। आज गांव-गांव में जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा, ये क्लेश का कारण बता रहा हूं और अक्लेश का कारण भी बता रहा हूं इसी के साथ साथ। यदि इसको संवेदनशील बनाएंगे तो आप में वो जागृति फिर से आएगी और ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। ये अक्लेश का कारण बन जाता है। क्लेश का भी कारण है क्योंकि इंद्रिय दुख देती हैं, और अक्लेश का भी कारण है क्योंकि इन इंद्रियों के माध्यम से आप ईश्वर में प्रवेश करते हैं। अन्यथा की दृष्टि में आप ईश्वर में प्रवेश कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं, रास्ता ही नहीं पता होगा। तो गांव में जाकर के देखिए, यहां था मैं, गांव में जाकर के देखिए, पहले दूध मिलता था, मट्ठा मिलता था, छाछ मिलता था, लस्सी मिलती थी, दही मिलता था। लेकिन आज मैं किसी भी गांव में जाता, मैं गांव में पढ़ाता भी हूं स्वयं, वहां कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वहां फ्रिज लगे हुए हैं, फ्रिज में लाकर के कोल्ड ड्रिंक भर देते हैं और प्लास्टिक की बोतलें भरी हुई हैं, उनको पी रहे हैं, जहर है वो एक तरह से। पैकेट फूड्स खा रहे हैं जो पैक्ड हैं, जैसे तुम्हारा पिज्जा हो सकता है, मोमोज हो सकता है, मतलब मोमोज तो शायद ताजी बनते हैं लेकिन वो भी नुकसानदेह है, और बहुत सारे जो चिप्स हैं, टेढ़ा है, मरबेड़ा है, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो नुकसानदेह चीजें हैं। लेकिन क्या है कि इंद्रिय सुख लेना है तो देना आपको नुकसान, आज नहीं तो कल दुखदाई अवश्य होगा। इसलिए ये क्लेश के कारण ही बन जाती हैं और अक्लेश का कारण ही बन जाती हैं। यदि इनको सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये आनंद की अनुभूति भी करती हैं और धीरे धीरे आपको ब्रह्म की तरफ मूव कराती हैं, ले जाती हैं। ये मेरे हिसाब से ये इसकी व्याख्या है। हो सकता है आप और इस अच्छे से व्याख्या कर सकें इसकी, ठीक है। विपर्यो
मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। ये है विपरीत का। वैसे तो मिथ्या ज्ञान मैं बता ही चुका हूं पिछली वीडियो में। ये कह रहा है मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अतद्रूप यानी कि जो उसका रूप नहीं है उसमें वो प्रतिष्ठित हो जाता है, इसको मिथ्या ज्ञान बोला जाता है। एक मेरे मित्र हैं, चर्चा चल रही थी तो उनके जो भाई हैं वो शायद ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, तो उन्होंने बताया था कि मेरे भाई ने 3 करोड़ रुपए कमाए हैं। 5 गांव के जन कितने गांव के वो हैं शिक्षा मित्र, वो जिला पंचायत अधिकारी हैं। अब कौन सी पोस्ट होती है सही से मुझे नहीं पता, उनसे चर्चा, वो उसमें नामरी करते रहते हैं, मतलब उनकी बढ़ाई करते रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मान लीजिए आप के भाई ने इतने रुपए कमाए तो क्या हुआ, उसका लाभ क्या है। मैंने 3 चीजें गिनाई उनको, एसी जिसको एयर कंडीशनर बोलते हैं उससे बड़ा, उससे मतलब ज्यादा कोई ठंडी चीज है नहीं, मतलब उस एयर को कंडीशनर बनाने वाली, हवा को शुद्ध करने वाली या ठंडी करने वाली एसी से ऊपर कोई अभी तक मशीन पैदा नहीं हुई। फ्रीज हो सकती है एक जिसका लाभ ले सकते हैं, बढ़िया सा गद्दा हो सकता है, स्लीप बेल का, ड्रीम बेल का, जो भी है, ये 3 चीजें मूल हैं। इससे ऊपर क्या, हवाई जहाज की यात्रा हो सकती है लेकिन रोज कहीं नहीं जाते। तो जो 3 करोड़ रुपए कमाए हैं, ज्यादा कमाए हैं, वो कमाने का लाभ क्या, पता चला कि उन्होंने दूसरी भी शादी कर ली, इंद्रिय सुख, मैं यही बता रहा हूं। वो मिथ्या ज्ञान में जी रहा था उनका भाई कि मेरे भाई ने इतने पैसे कमाए, लेकिन कमाए कैसे, दूसरे लोगों की आई हुई जो मेहनत का पैसा होता है उसको ना दे करके अपने हिस्से में ले लेना, सरकार ने पैसा भेजा और उसको व्यक्ति को ना दे करके उसको थोड़ा सा पैसा दे करके अपने खाते में ले लेना, इस तरह से पैसा कमाया। कोई पैसा कोई पेड़ पर थोड़ी हिल रहा है कि उसको कमा लिया, सैलरी तो उसको मुश्किल से 50,000 मिलती होगी, 50-60,000, लेकिन 3 करोड़ रुपए तो बहुत होते हैं, तो क्यों कमाए। हर व्यक्ति कमा रहा है, जिसको मौका मिलता है वो इसको चूकता नहीं है। किसान भी, हम लोग गाली दे देते हैं प्रधानमंत्री को, सांसदों को, मंत्री को, एक छोटे से स्तर पर किसान भी अपने खेत में जो रसायन खाद डाला जानते हैं कि जहर है, लेकिन क्यों डाल रहा है, क्योंकि ज्यादा उत्पाद हो, ज्यादा अनाज पैदा हो जिसको मैं बेच सकूं और गाड़ी ले सकूं, बंगला बना सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं, कोल्ड ड्रिंक रख सकूं फ्रिज में, इसीलिए तो डाल रहा है, इसीलिए तो बर्बाद कर रहा है देश को, नशों में जहर भर रहा है। एक हमारे स्कूल का एक लड़का था, 12वीं का था, हमारे मास्टर साहब हैं एक, उनके पीछे बैठ करके बाइक पर आया था और वो इतनी बड़ी सीसी लाया था दूध की बनाने वाली, तो उनसे पूछा कि ये क्या है, कि ये दूध, इससे 20 लीटर दूध बनेगा, कि इससे, हाँ ये केमिकल है जो पानी में डाल दो तो 20 लीटर दूध बना देता है। किसान की बात बता रहा हूँ, गांव की बात बता रहा हूँ। तो ब्लड में हमारे ये घुस गया है इंद्रिय सुख, इसको समाप्त करना आसान नहीं है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते एक व्यक्ति को, संपूर्ण समुदाय ही ऐसा हो गया है। और 15 दिन बाद पता चला कि उसी जहर को, उस बोतल वाली जहर को पी करके उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। सोचो, जिससे आत्महत्या जो कर रहा है बच्चा, इसका मतलब भयंकर जहर है, और उस जहर को बेच रहा है शहर में जाकर के, और दूध के माध्यम से सब बच्चे पी करके उसको पौष्टिकता की बातें करते हैं, ये सब जहर है। मैं इन सारी बातों को इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे भी लगभग 3 साल तो हो गए दूध को छोड़े हुए, कभी पीता हूँ, महीने खाने में एक बार पी लिया, चाय पीता नहीं, बहुत कम पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक को हो गए लगभग 10 साल, बाहरी खाना पीना बंद ही है लगभग, कभी कभी ही गोलगप्पे जरूर खाता हूँ लेकिन उस पर भी बड़ा ध्यान देता हूँ। तो ये चीज़ें, क्योंकि गोलगप्पे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भयंकर नहीं होती, पानी होता है उसमें, थोड़ा सा अम्ल मिलता है उसमें, जो अपनी, मैं भी इंद्रिय सुख के कारण कर रहा हूं,
अगर इंद्रिय सुख ना हो तो गोलगप्पे में कुछ है नहीं, पौष्टिकता कुछ नहीं है, लेकिन वहीं इंद्रिय सुख, इसलिए बता रहा हूँ। तो वहां इंद्रिय सुख है, इसलिए मुझे बार बार उस जो गोलगप्पे हैं उनकी तरफ दौड़ाती है, केवल जीवा का सुख। मिथ्या ज्ञान भी यही है, थोड़ा सा इसमें और जाएंगे तो मिथ्या ज्ञान में पता चलेगा। वैसे तो इसमें उदाहरण बहुत दे रखे हैं, आप जाकर के देख लेंगे कि रस्सी का सांप समझना मिथ्या ज्ञान है, सीप में चांदी पड़ जाना मिथ्या ज्ञान है, ये ज्ञान है, वो ज्ञान, इससे जा रहा कुछ समझा ही नहीं गया कहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आपके जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ ना दे, उठाए नहीं, वो सब मिथ्या ज्ञान है, कुछ भी हो सकता है वो। आपको जितनी भी समाचार के माध्यम से खबर मिल रही है आज कोरोना के बारे में, वो सारा का सारा 99%, यहां पर प्रतिशत बढ़ गया है थोड़ा, 90 से 99% झूठ है, 99% झूठ है। कोरोना मात्र एक इन्फ्लुएंजा साधारण वायरस है, जिससे मृत्यु नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, किसी को भी नहीं होती मृत्यु, लेकिन मरता है क्योंकि उसको मलेरिया की दवाई खिलाई जा रही है, मरता है क्योंकि उसको एंटीबायोटिक दवाइयां खिलाई जा रही है, मरता है क्योंकि उसको टीवी की दवाइयां खिलाई जा रही है, मरता है क्योंकि उसको एचआईवी की दवाइयां खिलाई जा रही है, मरता है क्योंकि उसको वेंटिलेटर पर डाला जा रहा है, मरता है कि उसको पौष्टिक खाना नहीं दिया जा रहा, मरता है क्योंकि उसको सूर्य की किरणों से दूर किया जा रहा है, मरता है कि उसको साधारण जो हमारी शुद्ध हवा है उससे दूर किया जा रहा है। क्वारंटाइन का मतलब है सूर्य की किरणें और जो शुद्ध वायु उसे दूर कर देना, और दो ही माध्यम है वायरस को मारने का, एक तो किरणों से मरता है सूर्य की किरणों से वायरस, दूसरा शुद्ध वायु से मरता है। ये 7 कारण है उसको मरने में सहायता करते हैं, और सबसे बड़ा 8वां जो कारण है वो डर का कारण है। ये सब मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान में आप जोड़ सकते हैं। यदि मिथ्या ज्ञान का आपको पता चल जाए, देखो ये क्लेश का कारण भी हो सकता है यार, जब तक आप टीवी देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, पता ही नहीं कोरोना का महामारी महामारी, तो ये क्लेश का कारण भी हो सकता है। जैसे ही आपको पता चल गया साधारण वायरस है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अक्लेश का कारण बन जाता है। और अपने जीवन में ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए ताजे फ्रूट्स लीजिए, जो भी आप चल रहे हो मौसम में, बड़े सस्ते आते हैं, 10-20 से 30 रुपए किलो आ जाते हैं। और यदि 250 ग्राम भी कोई भी फ्रूट 300 से 400 ग्राम खा लिए, तो आप में इम्यूनो पावर इतनी अच्छी हो जाएगी कि कोरोना आपके आसपास भी नहीं बटकेगा। यदि 2 मौसमी ले ली तब भी बराबर हो जाएगा, 2 अमरूद खा लिए तब भी हो जाएगा, यदि 3 आम ले लिए तब भी हो जाएगा, 4 केले खा लिए तब भी हो जाएगा, मतलब कुछ भी जो आपके विटामिन सी को 0.2% कर दे, तो आपको कोरोना वायरस का कोई सा वायरस आपको छू नहीं सकता। यह है इसमें। तो ये मिथ्या ज्ञान के मैंने बहुत उदाहरण दिए, क्लेश के कारण भी हो जाते हैं यदि आपको सही से पता हो तो। अब इसको अध्यात्म में थोड़ा समझेंगे, तो आदमी अहंकार में अपने जीवन को यही समझता है कि यही जीवन सत्य है और इस जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, और आत्मा में इसी में जीने लगता है, शरीर को सब कुछ समझने लग जाता है, इसलिए सारी चीजें इकट्ठी करने लग जाता है, जीवन के सुख लेने लग जाता है और इंद्रियों के सुख में पड़ जाता है। लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि क्षणभंगुर है, कभी मृत्यु हो सकती है, तो वो आध्यात्म जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है, अक्लेश का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इस समय में आ गया होगा। विकल्प के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति बहुत सुंदर है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। वस्तु शून्य विकल्प, विकल्प को मैंने कल्पना भी बताया था आपको पिछली वीडियो में, कल्पना विकल्पों क्या बताया था, कल्पना। शब्दानुपाति, शब्दस्य अनुपाति इति शब्दानुपाति, अर्थात जो शब्द का अनुकरण करे, बात थोड़ी सी ध्यान रखना। विकल्प कल्पना, कल्पना जो होती है वो शब्द का अनुकरण करती है, देखने का अनुकरण तो करती ही करती है, शब्द का भी अनुकरण करती है। यदि आप गाने सुन रहे हो और गाना अगर मन पसंद आ जाए तो आप उसमें खो जाते हैं और कल्पना में चले जाते हैं, और यदि इसी दौरान आप प्रेम में पड़े हो किसी के में, तो वही गाना एक आपको चरम अनुभूति देता है, बहुत आनंदमय प्रतीत कराता है, तो वो कल्पना में ले जा करके। तो कह रहे हैं आगे, शब्दानुपाति शब्द का अनुकारी, शब्द का अनुकारी होता है यह विकल्प। वस्तु शून्य, परंतु वस्तु निर्वस्तु होने के बावजूद भी, मतलब उसका कोई प्रमाण नहीं है। मान लीजिए किसी से कह दिया जाए कि तुम बहुत विद्वान हो,
अब ये शब्द है उसने सुना और अपने आप को विद्वान महसूस करने लगा। जैसे ही उसने सुना और वो कल्पना में खो करके अपने सारे इंद्रियों में खो गया और बुद्धि में विशेष रूप से खो गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, तो ये कल्पना हूं, शब्द हुआ, शब्द का उसने सुना और अनुकरण करने लग गया। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इसको वस्तु दिखा करके कोई दिखा दे वस्तु कि ऐसी है तू, ये इस तरह का ये है और वो है सारी चीजें, मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। किसी से कह दिया तुम बहुत सुंदर हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। शीशा दिखा सकते हो ज्यादा ज्यादा, लेकिन शीशा सुंदरता का प्रमाण नहीं होता, वो आपकी शक्ल ही दिखा सकता है। आप सदियों से शीशा देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको किसी ने कहा कि आप सुंदर हो तो आप अलग व्यक्ति बन जाते हैं। किसी ने कहा कि आप तो बड़े मूर्ख हैं, क्या हुआ? मूर्खता को कोई प्रमाण नहीं है, वस्तुहीन है, वस्तु शून्य है। लेकिन जैसे ही किसी ने कहा आप चले गए। आज की दुनिया कल्पना की दुनिया है, सिनेमा की दुनिया है, यूट्यूब की दुनिया है। यूट्यूब पर चले जाइए, एक मैं चैनल देख रहा था, किसी बच्चे किसी व्यक्ति का है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे इसका, उसको मैंने सुना था नाम, बहुत किस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और मतलब इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि मतलब विद्वान है, वो अपने क्षेत्र में बड़ा पारंगत है। लेकिन मैं उसमें गया, जाकर के देखा, उसकी कम से कम 10-15 वीडियो देखी, और 10-15 वीडियो देखने के बाद उनके व्यूअर्स देखे मैंने, कितने लोग देख रहे हैं, पता चला किसी ने 16 मिलियन देख रखा, किसी में 20 मिलियन दे रखा, किसी में 23 मिलियन दे रखा है, मतलब करोड़ों की तादाद में लोगों ने, अरबों की तादाद में लोगों ने उसको देख रखा है। फिर मैंने जब उसमें गहराई से देखा, थोड़ा सा लंबा खींचा, पता चला कि उसमें गाली के सिवा कुछ नहीं था, सिर्फ गालियां ही गालियां, गालियां ही गालियां, और लोग सब्सक्राइब करके उसको आनंद ले रहे हैं। तब मुझे पता चला कि वो कल्पना में जी रहे, सब डिप्रेशन में है सारे के सारे। जो भी इस तरह की बाह्य चीजों को देख रहा है वो कल्पना में जीता है, इंद्रिय सुख में जीता है, उदासीनता में जीता है। जब भी हमें किसी कॉमेडी को देख करके देखने का बार बार मन करे, जैसे कपिल, नाम सुना होगा, ये कॉमेडियन है बहुत बड़ा, जब भी कोई कपिल को देखता है तो उसकी वीडियो जाकर के बार बार देखता है, क्या है उसमें, क्योंकि आदमी अवसाद में है। अवसाद को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हंसना। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जो हंस सकती है दुनिया में, और कोई भी प्रजाति नहीं हंसती। 33 लाख योनियां बताई गई हैं, वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर गए हैं, 33 लाख योनि में केवल एक योनि मनुष्य की है जो हंसती है, और हंसना कोई आपका यह सौभाग्य नहीं है, याद रखना, दुर्भाग्य है। आप आनंद में नहीं है, हंस रहे हैं, हंसने के पीछे दुख को छुपाए हुए हैं। जानवर में शेर को चलिए, शेर कभी हंसते नहीं प्राप्त होगा आपको, मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो अवसाद में नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं हंसने की। यदि आप हंस रहे हैं तो आप टॉनिक की तरह, जैसे आप बीमार हैं, बुखार है तो आपको गोली लेनी पड़ रही है, ऐसे ही आज अवसाद में है तो आपको हंसी लेनी पड़ेगी। इसलिए हर रोज हंसना जरूरी बताया गया है मनुष्य के लिए, क्योंकि वो अवसाद में ना चला जाए। जो व्यक्ति लंबे समय तक नहीं हंसता वो डिप्रेशन में चला जाता और जाकर के आत्महत्या कर लेता है, ये भी माना गया है। लेकिन जब आप ध्यान में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तो धीमे 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 आपका आनंद की अनुभूति होने लगती है, आपको हंसने की आवश्यकता नहीं महसूस होती फिर। तो कल्पना में जीना शुरू कर दिया है लोगों ने, और कल्पना ऐसे खो गए हैं जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जो सीरियल में दिखाया जाता है। वास्तव में ऐसा प्रेम कहीं भी नहीं होता, लेकिन हम उस प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं, नहीं हुआ, और उसके चक्कर में आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस एक मैं पढ़ रहा था, विदेशी एक लेखक हैं, उन्होंने कहा था कि आने वाली 21वीं सदी के बाद या 21वीं सदी से लोग वास्तविक जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और मुझे लग रहा है उनकी बात बिल्कुल सही है। ना तो आज खाने में कोई संतुष्ट है, ना सोने में कोई किसी को संतुष्टि है, ना प्रेम में परिवार में प्रेम में संतुष्टि है, ना परिवार में संतुष्टि है। कारण इंद्रिय सुख जाना हमने, मिथ्या ज्ञान भी, और सबसे बड़ा कल्पना। क्योंकि खाने में जो तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं वो इंद्रिय सुख भी है और आपकी कल्पना भी है कि इससे ऐसा होगा,
होता कुछ नहीं है। थम्स अप डर के आगे जीत है। ड्यू, ड्यू में दिखाते हैं शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, ड्यू में दिखाते हैं कि डर के आगे जीत है। तो ड्यू पी रहे हैं, ठंडा मतलब कोका कोला दिमाग में बैठ गया, गर्मी लगी ठंडा मतलब कोका कोला पी रहे हैं। ये कल्पना ही तो है, ये आपने देखा वो कल्पना में विचार किया, हाँ ठंड लगने लगती है इससे तो अंदर से ठंडा हो जाता है, जबकि वास्तविकता ये है अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपके सबसे ज्यादा जो भयंकर नुकसान पहुंचाएगा वो कोका कोला जितने भी जो ड्रिंक है सब नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी को सबसे ज्यादा करने वाली होती हैं। लोग कहते हैं कि पानी की पूर्ति करते हैं उनको पीने से, नहीं, अगर आपको प्यास लगी अपने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो और ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे आप। लेकिन कल्पना में, खाने में, सोने में, तकिया होना चाहिए बढ़िया से बढ़िया, गद्दा होना चाहिए, तखत पे सोइए आनंद में, कितना आनंद आता, तखत से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। बेड पे भी सो के देख लिया, गद्दे पे सो के देख लिया, ड्रीम मिल भी देख लिया, सब पे देख लिया, सब बकवास है। लेकिन आपका जो सुख है ना वो ले डूब रहा है, ये कल्पना, क्योंकि उनके ऐड आते हैं, वो कल्पना में ले जाते हैं आपको, ऐड के माध्यम से लोग कल्पना में जीने लगे हैं। प्रेम की तो चर्चा ही छोड़ दो, सारी फिल्में हिंदुस्तान की 90% का 99% का मुझे लग रहा है कि 101% सारी की सारी प्रेम में डूबी हुई हैं, उनको वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं है, तो ये कल्पना है। और वास्तविक जीवन अब ये सब क्लेश के कारण बन जाती है कल्पना है। लेकिन इसको अक्लेश का कारण कैसे बनाया जाए, ये सारी बातें मैंने बताई, क्लेश का है, अक्लेश का कारण है। यदि आपको कल्पना है तो आप ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में जब मन की आपको शांति महसूस होगी, धारणा बनाने के लिए कल्पना की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान में जो आपको घटना घटित हुई, जो लगा कि मुझे आज शांति महसूस हो रही है किसी प्रकार से, वो कल्पना के माध्यम से उसको कई गुना बढ़ाया जा सकता है। जैसे एम्पलीफायर होता है ना, थोड़ी सी आवाज को बढ़ा दिया और डीजे बजने लगा, मोबाइल में लगाई लीड, एम्पलीफायर लगाया और डीजे बजने लगा, बड़े बड़े डिब्बे बजने लगे, आवाज हो गई तेज, वही एम्पलीफायर का काम करती है कल्पना। कल्पना से आपने जो भी अनुभव किया जीवन में, वो दुख का भी अनुभव हो सकता है। इसलिए जब दुख में सोचते सोचते इतना बढ़ जाता है कि आदमी के असहनीय होता है, इसलिए आत्महत्या कर लेता है। ये उदाहरण मैं बता ही चुका हूं आत्महत्या के, कल्पना ही इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये सारी वृत्तियां एक साथ काम करती हैं, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, इसे अलग अलग बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सारी वृत्तियां एक साथ काम करती हैं, अलग अलग काम नहीं करती। आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा, मिथ्या ज्ञान भी होगा उसी में, उसी में फिर कल्पना में चले जाएंगे आप, फिर आपको निद्रा स्वप्न में वही चीज चलेगी, ये बताऊंगा मैं अभी, और फिर स्मृति में बराबर बनी रहेगी। ये सारी एक साथ काम करती हैं, इसलिए आदमी जीवन में बड़ा दुख उठाता है। इन्हीं के माध्यम से अक्लेश में चले जाएं, ध्यान कर लें, इनका सिर्फ एक ही कारण है, मैंने बताया था, मेडिटेशन, ध्यान। यदि ध्यान आप 1 घंटा प्रतिदिन करते हैं, 1 घंटा, तो आपकी सारी इंद्रियां आपके बस में शुरू हो जाएंगी। यदि मन एकाग्र होना शुरू हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं बचा सकती। योग को समझिए और जानिए। तो कल्पना क्या काम करती है, एम्पलीफायर का। आपने जो भी इनमें अनुभव किए और जो कुछ देखा एड में, वो कल्पना में चला गया और कल्पना से फिर वो बहुत बढ़ गया। अब वो सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसमें निद्रा में देखते हैं, बोला गया है अभाव, प्रयत्न, आलंबन, आलंबना वृत्ति, निद्रा, ठीक है। अभाव का तात्पर्य क्या है, अभाव से दिन दो चीज लिए, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, इन दोनों का जब अभाव होता है तो वो निद्रा, जब जिस वृत्ति का वो व्यवहार का आलम्बन करती है वो निद्रा कहलाती है। अब यहां पर जो निद्रा होती है वो एक समाधि की भांति होती है, याद रखना। अब यहां पर मैंने इसकी व्याख्या पढ़ी, जब यहां पर अभाव शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि स्वप्न का भी अभाव हो और आपके जागृति का तो अभाव होगा ही होगा, लेकिन जब स्वप्न का अभाव होता है तो भी स्वप्न आते ही नहीं तो आपको वृत्ति की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहां पर स्वप्न नहीं आएंगे तो आपको निद्रा भी नहीं आएगी, वो समाधि में ही घटित होती है। फिर चीजें, निद्रा भी छोटी से रूप में समाधि ही है,
लेकिन स्वप्न जब हम देखते हैं उस निद्रा में तो वो हमारे क्लेश का भी कारण बन जाते हैं। कभी कभी इतना भयंकर स्वप्न देख लेते हैं और वो हमारी स्मृति में बना रहता है, जगने के बावजूद भी आपको डर लगना शुरू हो जाता है, महसूस होता है। लेकिन इस निद्रा को यदि योग निद्रा बना लिया जाए, जागृत अवस्था में अभ्यास करते समय, धीरे धीरे नींद में जाते समय उसको योग के माध्यम से ध्यान में जाने के लिए कुछ विधियां होती हैं, आप उसको ध्यान रखें कब नींद आ रही है, उस चीज पर ध्यान करते 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 यदि वो समाधि में कन्वर्ट हो जाए, मतलब निद्रा में भी आप जाने कि सो रहे हैं लेकिन आपको स्वप्न वगैरह ना हो, वो अवस्था निद्रा की अवस्था होती है, तो वो समाधि ही बन जाती है और वो अक्लेश का भी कारण बन जाती है। स्मृति में बताया गया है अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति, ठीक है, मतलब अनुभूत विषय संप्रमोष, संप्रमोष शब्द को समझ लीजिए, बाकी कुछ समझने के लायक नहीं है। संप्रमोष का मतलब है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसको चुराया नहीं जा सकता, जो लुप्त नहीं होती, वो संप्रमोष के अंतर्गत आती है। तो आपने जो भी अनुभव किया वो विषय स्मृति में, मतलब जो रहता है उसी का नाम स्मृति है। आपको कहीं एक्सीडेंट हुआ भयानक और वो स्मृति में बैठ गया, अनुभव हुआ उसका और वो हमेशा के लिए उसमें रहता है। इस स्मृति से क्लेश भी होता है और क्लेश की भी प्राप्ति हो जाती है। स्मृति जब भी आएगी किसी भी दुखद घटना की या सुखद घटना की, वो क्लेश का भी कारण बन जाती है। और यदि इस स्मृति को, मैंने बताया था, जब ध्यान के माध्यम से कार्य करना शुरू करते हैं हम, तो उस ध्यान में जब हमको विचार शून्यता की तरफ बढ़ना होता है, वो जब अनुभव होता है कि अब हम विचार शून्यता में जा रहे हैं, उसकी भी स्मृति रहती है कहीं ना कहीं। वो बात अलग है जब असंप्रज्ञात समाधि में जाते हैं तब की बात अलग है, लेकिन संप्रज्ञात समाधि तक आपको स्मृति बनी रहती है। संप्रज्ञात समाधि में जो आनंद की अनुभूति होती है वो स्मृति के कारण ही होती है, स्मृति में बनी रहती है वो, संप्रज्ञात में, विवेक ख्याति में, याद रखना है आपको। असंप्रज्ञात में सारी चीजें खत्म हो जाती है, वहां कोई इनका वृत्तियों का ही कोई मतलब नहीं है, फिर ना ये क्लेश का कारण बनती है ना क्लेश का कारण बनती है, वहां तो सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां वृत्तियां रहती ही नहीं। तो स्मृति भी बहुत काम करती है इस चीज में, लेकिन एम्पलीफायर का जो काम करता है वो कल्पना करती है। आपको याद रखना है, बहुत लंबा हो गया मुझे लग रहा है वीडियो, और इसमें कुछ समझाने के लिए कुछ खास नहीं है, बहुत विस्तृत में समझा दिया है मैंने, पता नहीं कैसे समझाया है, आधुनिक समय को लेकर के समझाया है, घटना जो घट रही है उनको लेकर के समझाया है। आपको कितना लाभ देता है, आप पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करती रहिए, पुस्तक से मैं बिल्कुल भी नहीं भटका हूँ, जो कुछ भी है सब पुस्तकों का ही है, एक भी चीज़ नहीं है, जो कुछ मैंने यहाँ बताया आप पुस्तकों में भी देख सकते हैं, लेकिन उदाहरण मेरे सारे अलग होंगे, अक्लेश की बातें सब अलग होंगी, वो मैंने अपने कहीं ना कहीं छोटे मोटे अनुभव के माध्यम से बताया है। मैं इन चीज़ों को जब बता रहा हूँ, जब इन चीज़ों को मैं पहले से ही त्याग चुका हूँ, अन्यथा की दृष्टि में मैं आपको नहीं बताता। आप भी देखिए जीवन में धीरे धीरे कैसे आप में जीवन में बदलाव हो सकता है, और प्रयास करिए, अभ्यास करिए, आगे बताऊंगा इनको कैसे कैसे मतलब जीवन बदलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।